पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास मेहमान हैं अर्जुन अवार्ड विनर रेसलर संग्राम सिंह, जिन्होंने जिंदगी के संघर्षों से संग्राम किया और अपनी कड़ी मेहनत से आज अपना एक ऐसा मकाम बनाया है जहां वो सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और सबके बड़े ही चहेते हैं। बड़ा मजा आता है जब भी मैं उनके साथ इंटरव्यू करती हूँ, क्योंकि बहुत कम सेलेब्स ऐसे होते हैं जो खुलकर दिल से ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं। संग्राम उन्हीं में से एक है और बहुत जल्द हमारे प्यारे संग्राम हमको नजर आने वाले हैं फिल्म उड़ान जिंदगी में। तो क्या है ये फिल्म, क्या उनका रोल है, ढेर सारी बातें होंगी संग्राम से। बट संग्राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर। जी, थैंक यू सो मच। मुझे मौका मिला देश का प्रतिनिधित्व करने का, मगर अर्जुन अवार्ड उस टाइम मुझे मिल नहीं पाया था निधि जी, जब दैट टाइम था। मगर देश के लिए खेलने का बहुत मौका मिला। प्रोफेशनल रेसलिंग में आ तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन भी बना। तो जब हम समझदार नहीं होते ना, तो हम ढेर सारी चीजें करते हैं। जब मैच्योर होते फिर हमें पता चलता है हर चीज का कि क्या महत्व था। गलतियां बिल्कुल, करते हैं, बट सब आप सीखते हैं। हमारे लिए चैंपियन हैं, आप हमारे लिए हमेशा अवार्डी ही रहेंगे संग्राम। क्योंकि एक तो होता है वो सेलिब्रिटी जो पर्दे के सामने हीरो वाली हरकतें करता है, हीरोगिरी करते हैं, लेकिन एक संग्राम आपके जैसे होते हैं चुनिंदा, जो हमेशा हीरो रहते हैं, जो पर्दे के बाहर भी, जब दुनिया उन्हें कैमरे में नहीं देख रही होती है, तब भी चीजें कर रहे होते हैं। सही संग्राम, बता उड़ान रहे। जिंदगी के बारे में बात करते हैं। क्या है ये फिल्म, क्या कहानी है? एक्चुअली क्या था कि नहीं दीजिए, पहले मुझे पता नहीं था। पहले मैंने ढेर सारे शो की, एक दो फिल्म भी की हैं। फिर मैं एक फिल्म करने वाला था श्याम बेनेगल साहब के साथ में। 3 साल हमने बहुत मेहनत की। एक रेसलर की बायोपिक थी जिसने ओलंपिक में इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल जीता था इंडिविजुअली। वो अनाउंसमेंट आ गया, सब कुछ हुआ, बहुत सीखा उस इंसान से, किसी कारण से फिल्म नहीं बन पाई। तो बाकी होते तो शायद निराश होते। मैंने सोचा कि चलो, इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर, इनसे सीख लिया। फिर एक फिल्म करने वाला था महेश भट्ट साहब के साथ में, मैंने गाना किया उनके साथ में। और फिल्म करने वाले थे हम गॉड ऑफ क्रिकेट। फिर वो दो प्रोड्यूसर का कुछ डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, और उनका विवाद थोड़ा ज्यादा लंबा चला, क्योंकि वो मैंने मेरे टेरिस पे मतलब वो मिल लिए थे, तो वो मतलब वो फिल्म भी बन नहीं पाई। मगर इन दोनों से मुझे सीखने का अवसर बहुत मिला। तो ये फिल्म क्या है कि फिर मेरा ये मानना था कि जो भी मैं चीज करूँ वो नोटेबल होना चाहिए, मतलब जो सही सही चीज होनी चाहिए। फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मेरे मित्र हैं, हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब खट्टर साहब, तो दोस्त भी है मेरे, मेंटर भी है, मतलब मैं उनसे बहुत मजाक करता हूँ। तो मुझे मिले, संग्राम जी आपको यहाँ के यूथ के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा सर क्या करूँ? बोला यहाँ का यूथ नशे की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रभावित है, या यहाँ का यूथ बदमाशी वाले गाने फिल्में वो ज्यादा देखता है, जो थोड़े से असला लेके गन लेके जो होते हैं ना, जो नए बच्चे। तो फिर मैंने कहा कि सर ठीक है, मैं कुछ करूंगा। तो फिर एक ये नए बच्चे थे एफटीआई पास आउट, ये मुझे सब भेजते रहते थे स्क्रिप्ट। तो मैं भी ऐसे बिजी रहता था, कभी यहाँ कभी वहां, तो इन्होंने भेजा। और एक बार फ्लाइट थोड़ी लंबी थी तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ी। कि एक फादर बेटे की बहुत इमोशनल कहानी है, सुल्तान दंगल वाला फील है सेम। हाँ, तो मैंने कहा करनी चाहिए। और इसमें मेरे फादर साहब भी वो बने जो सलमान खान साहब के फादर थे सुल्तान में, अच्छा, तो नवीन जी। तो फिर मैंने उसके लिए हाँ किया। और ये शूट ही मेरे होम टाउन में था, पहली बार किया शूट होम टाउन में। आनंद तो आया, मगर दिक्कतें बहुत आई, क्योंकि जब मैं वैनिटी मैन से बाहर निकलता तो 5-10 हज़ार क्राउड होता था। अब उनको मैं मार, क्योंकि हमारा इंसान ऐसा है यहाँ का नॉर्थ का कि वो आटा नेगा रोटी बना के दे देगा। तो फिर मैं माइक लेके उनको रिक्वेस्ट करता था कि ये आप सबके लिए, ये आप ये सब कर दो। फिर वो खाने का दिल लेके आते थे। उस नए बच्चे थे, नई टीम थी, तो कई बार बहुत दिक्कतें आई। एक बार रेलवे स्टेशन पे हम शूट कर रहे, तो क्या होता है शूटिंग की परमिशन होती है कि आप शूट कर सकते हो। उन्होंने रेलवे रोहतक का रेलवे रोड रोक दिया शाम के टाइम, ट्रेन के टाइम 6-7 हज़ार क्राउड हो गया और बहुत भीड़ लग गई। और मतलब अब मुझे ये, मैंने कहा भाई पिटवाएंगे ये, क्योंकि वो सीन तो कोई भी गलती करेगा फिर से सीन होगा। तो फिर वहां पे शहर का एसपी से लेके सब हो गई। तो फिर मैंने उनसे बोला कि बोले संग्राम जी ये तो सब हो रहे हैं। बोला फिर मैंने कहा सर ये नए बच्चे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कर दिया। तो बोला कोई बात नहीं, हमें भी हम शूटिंग देखने को मिलते नहीं, कोई बात नहीं, 10 मिनट और सही भैया, ये सीन तो कर ही लो। तो बहुत ऐसी चीजें रही। मगर ये फिल्म था कि पहले मुझे पता नहीं था, श्याम बेनेगल साहब से मैंने सीखा कि एक्टिंग का मतलब एक्टिंग नहीं करना, एक्टिंग होता है। अगर मैं आपकी जिंदगी जीऊंगा तो मुझे एक्टिंग करनी, नहीं तो एक्टिंग नहीं करनी है। और पहले पता ही नहीं होता था क्या है। बहुत से रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर होते थे जो जब मुंबई पहुंचा ना, तो वो कहते थे ये संग्राम सिंह बहुत अच्छा इंसान है, पता नहीं डॉक्टर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो मतलब बुराई होती। मैं सोचता था मेरी तारीफ कर रहे हैं यार, अच्छा बोल रहे हैं। तो हम तो ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हैं।
तो फिर मैंने देखा कि यार जो यहाँ के नोटेबल कलाकार थे इन्होंने वो लिए ज्यादा, पहले मैं शॉर्ट फिल्म करने का होता, फिर ये फिल्म लंबी बन गई के नए बच्चे हैं ये सब था। तो वरुण खुदा बहुत इंस्पायरिंग है, इंटरटेनिंग है, अच्छा, और और जैसे लोकल जैसे टैलेंट ही आपने बता लिया है ना वहां का, तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस है? देखिए जी, जैसे इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलग थे, तो वहां की जैसे नोटेबल दो लड़कियां, इन्होंने मेरे सामने उनके फोटो दिखाई। इसमें मैं एक प्ले कर रहा हूँ जो 22-23 साल का एक एस्पायरिंग एथलीट होता है, मैंने वेट कम किया और ज्यादा उसके लिए। तो फिर दो लड़कियां थी, एक अंजलि राघव, एक प्रांजल दहिया। मैं जानता नहीं था किसी को भी इस मार्केट में, मैं क्योंकि मैं नया था इस मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ के गाने वाने तो बच जाते, मगर यहाँ पे फिर मैंने नोट किया कि यहाँ के बड़े डायरेक्टर एक्टर या ये मार्केट बड़ी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे इधर क्या कहा होता है कि चूहे को मिले हल्दी गांठ, पंसारी बन बैठा। थोड़ा सा किसी का गाना हिट होता है, फिल्म हिट होती है, तो वो ये छोड़ देता है, वो अपने अपने गुमान में रहता है। जैसे क्या है कि जैसे नाना पाटेकर साहब जैसे लेजेंड मराठी फिल्में करते हैं अब तक, बाकी सब सब वो करते हैं। हमारे इधर क्या है कि थोड़ा सा इंसान होता है तो गैप बना लेता है, वो उससे हरियाणा या पंजाब वो थोड़ा सा अपने आप को स्टार्डम थोड़ा ज्यादा कर लेता है, समझे ना हाँ जी। जी। तो फिर मैंने देखा कि मेरे हिसाब से दूसरी लड़की थोड़ी सी हैवी थी, वो जा नहीं रही थी। तो मैंने इनको बोला कि भैया मैं जानता नहीं, जो भी मैं एक्टिंग अच्छी करे जो ठीक हो वो ले लो आप, ये लड़की तो ठीक लग रही है। तो ऐसे इन्होंने यहाँ के उनसे वो काम किया, जैसे नवीन जी को मैं जानता था क्योंकि मैंने सुल्तान देखी थी, मैं जानता हूँ कि वो प्रोफेसर है, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। फिर बाकी भी जो कई एक्टर और थे नॉर्मली था। तो फिर मैंने फिल्म की शूटिंग करना अलग अलग गांव में, जिस गांव में आप यहाँ पढ़े हो ये सब किया है। फिर मतलब एक एक चैलेंजिंग तो था, मगर ये फिल्म देखोगे ना आप, ये फिल्म की एक्सक्लूसिव डील हो गई है आपके पास में, किसी बड़ी ओटीटी उनको उनको बड़ी अच्छी डील अच्छा, दी है, बाकी ने दिया। तो ये फिल्म 29 फेब को शायद रिलीज हो जाएगी, ओके, चलिए, उसका तो हमें नहीं तो इंतजार रहेगा देखने के लिए। बट पिछली बार जब संग्राम आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं यूं ही कुछ भी काम नहीं करना चाहता हूँ, ऑफर्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं इस बात को बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं जो हमारा आज का यूथ है, हमारी जो अब की जनरेशन है, उनके लिए कुछ मीनिंगफुल कर पाऊँ। तो ये जो फिल्म है उसको चुनने का नीति यही रीजन रहा? जी। मुझे है ना कई सुपरस्टार की मैंने फिल्में छोड़ी हैं, पता क्यों छोड़ी हैं? नेगेटिव रोल थे या बाकी और थे, किसी में आप टेररिस्ट बन रहे हो, किसी में आप कुछ बन रहे हो। तो मेरा ही मानना है कि मुझे मौका मिलता है मैं अपने नाम की नौकरी करता हूँ, समझे ना जी, कि मैं जैसे सरकार के साथ मुझे मौका मिलता है, कई सोशल अवेयरनेस का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, या स्वच्छ भारत विकसित भारत, या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, या एंटी टबाको कैंपेन, या प्राइवेट ब्रांड के साथ हूँ। तो भले ही मैं उनकी फिल्में करता तो मैं 5-10 फिल्में और कर लेता और हो जाता, मगर ये फिल्म ऐसी है कि आप सब बैठ के देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि भाई फिल्म अच्छी है। देखो चलना नहीं चलना अपने हाथ में नहीं होता, मतलब एक ऐसी चीज है जो यूथ को इंस्पायर करेगी। ये नहीं कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है कि भाई पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है, बहुत मतलब वो है। और मैंने इनफैक्ट मेरे 3 गाने भी आ रहे हैं जो मैंने यहाँ के किए, 2 बहुत इंस्पायरिंग है, और एक एक हमने लव सॉन्ग किया था वो बहुत क्लीन था। तो मेरा मानना है कि कहीं भी सिनेमा करो, कहीं भी कुछ करो। आजकल देखो सिनेमा कोई छोटा नहीं, हरियाणा पंजाब, एक कांटारा फिल्म थी वो ऋषभ जी ने जो फिल्म बनाई ना, उसके पैसे खत्म हो गए, बताऊं आपको, 7 करोड़ की फिल्म बनी थी वो, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया, फिर भी पैसे नहीं हुए। तो मैं ऋषभ से मिला तो उनकी स्टोरी सुन रहा था मैं, फिर वो रविशंकर जी के पास गए, श्री श्री जी के पास, वहां पे उन्होंने किसी की मुलाकात हुई, ऐसे मुश्किल से कर करके उन्होंने फिल्में पूरी की, और कांटारा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक फिल्म जो 10-12 करोड़ में बनी मुश्किल से करेक्ट, 300 करोड़ से ऊपर कमा दिया। तो अगर सिनेमा आपका अच्छा ना, सिनेमा की कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, बस बशर्ते अच्छा बनाओ, चले या ना चले, नहीं जी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना कि 10 साल बाद बैठ के देखो तो प्राउड फील हो कि हमने अच्छा काम किया था, पहले पता ही नहीं था कि क्या काम करना है क्या होना है। तो उसके हिसाब से जो भी इसको देखेगा उससे सीखेगा, करेक्ट। और वो ही इंस्पायर आपकी होगा। हमेशा कोशिश रहती है संग्राम, और आई थिंक यही एक रीजन है कि आप यूथ आइकन भी हैं। मोटिवेशन जो आप देते हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि अरे कोई सेलिब्रिटी है और यू नो खड़े होके बस कुछ बात कर रहे हैं, बल्कि आप जो कहते हैं उसको खुद, क्योंकि आप जी रहे होते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल होते हैं, तो उसको हम लोग और अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। और यही शायद रीजन है कि सरकार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभियान का आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जैसे अगर विकसित भारत अभियान की मैं बात करूं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मुझे जैसे मुझे विकसित भारत का इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के, भैया हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन ये है कि 7 इंसान बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, तो स्पोर्ट्स की फील्ड या इंटरटेनमेंट से हम चाह रहे हैं कि भैया आप इसको करो,
फिर जैसे स्वच्छ भारत का था, स्वच्छ भारत का बनाया। तो मेरा ये मानना है कि जो भी चीज आपको मिले, देखो मैं यूथ को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी हार वो नहीं है कि हमें दुनिया नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खुद को पहचानो कि कोई क्या कह रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लक्ष्य के लिए ना शॉर्टकट अपनाओ, सही काम करते रहो। अब टबैको है, देखिए दीदी जी, टबैको से 13,20,000 अराउंड इंसान हर साल इंडिया में मरते हैं, जिसमें से 2.5 लाख से ऊपर जो यूथ है 12 साल से और 30 साल की एज में डेथ होती है उनकी टबैको से। कोई कैंसर होके मरता है, कोई कुछ होके मरता है। और मुझे दुख ये होता है कि आजकल नोटेबल स्पोर्ट्स पर्सन है, खासकर क्रिकेटर हैं या एक्टर हैं, वो तंबाकू बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, बाकी चीज करते हैं। तो देखो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते ना, हम किसी ब्लेम कर रहे। तो मेरा ही मानना है कि जब आप जिम्मेदार होते हो, दो रोटी खानी जाए, तीन पास करें, दो से एक पे आ जाएंगे, और तो कुछ होना है नहीं। और देखो पैसा, फेम और इंसान जैसे आता है वैसे ही जाता है। अगर सौभाग्य से आप पैसा कमाते हो ना तो 7 पीढ़ियां भोगती हैं, और ऐसे ही पैसा कमाते हो ना तो 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। ये एक चीज है नॉर्मली। तो मेरा ये मानना है कि भले ही देखो परमात्मा ने मुझे मौका देगा, ऐसा बच्चा जो ना खड़ा हो सकता था, ना बोल सकता था, ना ढंग से चल बिल्कुल सकता था, उसको उसने एक रेसलर बनाया जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, उसने वो स्पीकर बनाया जो रेसलिंग फेडरेशन से लेके इंडियन आर्मी से लेके मेरे जैसा इंसान जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, आज वो IIT IIM से लेके हार्वर्ड तक जाता है। तो वो सारे फिर बहुत शायद था, टीवी पे आ ढेर सारे शो करने का मौका मिला, अब शो होस्ट कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ। तो मेरी लाइफ में जो मेरा रिजेक्शन था ना, वही मेरा मोटिवेशन है। मैं हर जगह रिजेक्ट किया गया तो उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा ही मानना है कि आज का यूथ बहुत क्रिएटिव है, बहुत सही है, बशर्ते एक ट्रेंड होता है। अब हरियाणा में पता क्या ट्रेंड चल रहा है, जो गाने आएंगे ना बदमाशी वाले, नशे वाले, बहुत गाने चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है। अब जो मेरे गाने आएंगे ना बहुत मोटिवेशन है, वो हाँ भले ही चले ना चले, मैं चाहता हूँ ट्रेंड ये सेट कर दो कि 5 बच्चे इसको देख के एक्सरसाइज करें। अब खुद बताओ नीति जी, मेरी एज में मैं भी 20-22 साल के बच्चों के साथ रेसलिंग करूंगा जो करंट अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुबई में 24 फरवरी को। हाँ तो मुझे पता है 50 से बुद्धि जी भी ट्रोल करेंगे कि ये थोड़ी है, ये थोड़ी है, मगर इससे लाखों करोड़ों बच्चे वो इंस्पायर होंगे, देखेंगे कि मैं कर सकता हूं तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो रेसलिंग की बात जब चली तो दुबई प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप से 6 साल बाद तकरीबन आप प्रोफेशनल रेसलिंग में वापसी कर रहे हैं। संग्राम, आपके जितने फैंस हैं, जितने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर स्पोर्ट्स लवर बिल्कुल आंखें बिछा के इस पल का इंतजार कर रहा है, तो आपकी तैयारी कैसी है? देखो जी, पहले अब मेरी तैयारी, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, और अब मेरी तैयारी ये है कि रेसलिंग बहुत जेंटलमैन खेल है, और पिछले 2 साल से रेसलिंग बहुत फेमस चल रही है डिफरेंट डिफरेंट कारणों से। तो मुझे आज भी याद है, सुशील ने जब पहला मेडल जीता था तो रेसलिंग को उसने जिंदा किया था 2008 में ओलंपिक में, जब मेडल जीता था। और मैं पहला रेसलर था जो रेसलिंग को अखाड़े से 5 स्टार ले गया था, जब मैं शो करना स्टार्ट किया, ये करना स्टार्ट किया, तो वो जानते नहीं थे कि हमने क्या किया। कहते थे वो रेसलर है जो बिग बॉस में आया, नच बलिए में आया, दूसरे शो में आया, तीसरे शो में आया, तो समझ रहे जी। आज तक क्योंकि हाँ क्योंकि क्रिकेटर को तो ढेर सारे IPL होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, वो दिखता रहता है। बिल्कुल रेसलर्स का कोई बड़े बड़े टूर्नामेंट मेजर होते हैं। तो अब मैं करूंगा तो मुझे पता है कि अब ढेर सारे बच्चे कहते हैं कि उनको विराट कोहली बनना है, वो बनना, तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे एक सोचे कि भाई उनको रेसलर ही बनना है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। और मैं ढेर सारे, अब जब हम जब मैच्योर करते थे, मैं खेलता था, तो हमारा टारगेट होता था कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर लो, बस नौकरी मिल जाएगी, बहुत है। अब मैं आजकल देखता हूँ जो नए बच्चों से मिलता हूँ जो 16 साल के 17 साल के हैं, तो उनको ओलंपिक मेडल जीतना होता है, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि भैया इनका टारगेट ये है। क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं दीदी, एक टी शर्ट मिल जाओ तो ऐसा लगता था भैया बहुत टी शर्ट तो मिल गई, बहुत अच्छी बात है। अब आजकल कोई ओलंपिक मेडल जीतता है तो इंसान 100 करोड़ का हो जाता है। हरियाणा गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स पे करोड़ों रुपए देती है, समझे जी। तो क्या है कि बड़ी जॉब मिलती है। तो आजकल सब माहौल चेंज हो गया है, सरकार ने भंडार खोल रखे हैं, आप करो बशर्ते वो सब करो, मगर हम अभी सही दिशा में के स्पोर्टिंग नेशन बनने के, उसमें ये सारी सुविधा चलती रही तो 2036 तक हम ओलंपिक में टॉप 10 में होंगे, सेम फैसिलिटी चलती रही। तो देखो कहीं पे वो तो चलता रहता है, कहीं पे आप नाराजगी है, कहीं पे आप अच्छा कर रहे हो, मगर ऑल ओवर क्या है कि हमारा खेल का स्तर बहुत बढ़ गया है पहले के मुकाबले। पहले क्या होता था कि हमारे साथ जो डॉक्टर भी जाते थे ना, वो आपके सिर में दर्द हो गया, आपके फ्रैक्चर हो गया, वो सैराडोन देते थे उठा के, सेम। तो रेसलिंग फेडरेशन तो टूट रही होती थी, वीजा फी हम सुबह से शाम तक वो करते थे, अरेंज करते थे। तो अब क्या है कि ये मैं रेसलिंग करूंगा तो मुझे लगता है कि एक
वन ऑफ द गेम चेंजिंग होगा ढेर सारे यूथ के लिए, ढेर सारे एस्पायरिंग बच्चों के लिए, और ढेर सारे उन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी जो जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स करना, और किसी न किसी कारण से वो मतलब गिव अप कर देते हैं। और मेरी लाइफ में, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे को टैलेंट तो है नहीं, एक ही टैलेंट है कि मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। और एक छोटी सी बात तारो दीदी, तारीफें दिन बनाते और ताने जिंदगी। वाह तो जो भी बिल्कुल जो भी जो भी कुछ बोले, कोई कुछ कहे, कोई ये सब है, तो अच्छी तरह सुनो, अच्छी तरह देखो, अपने आप को पहचान लो। देखो क्या है कि शेर और चीता बहुत ताकतवर होते हैं, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता, बिल्कुल क्योंकि क्योंकि वो यूनिक है। तो हम सब एक दूसरे के बनने में कोशिश करते हैं, फिर वो चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हम सब यूनिक हैं, छोटी सी जिंदगी है, मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। तो इंस्पायर करो, लेगेसी छोड़ो, ढेर सारी चीजें करो। संग्राम, अब इसी पे बेस में अगला सवाल है कि बहुत उतार चढ़ाव आपने भी अपनी लाइफ में देखे, और जो आपकी स्टोरी को जानते हैं वो जानते हैं, और एक मिरेकल या फिर आपका हार्डवर्क का नतीजा है कि आज संग्राम सिंह हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं, हम उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। पर संग्राम, आप इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप खुद को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? देखिए नीति जी, मैं जानता हूं सब कुछ टेम्परेरी है, तो इसलिए ये फेम है, चाहे मनी है या नाम है, कुछ है, कुछ मतलब है, नॉर्मली है। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे ना, तो आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। मैं सोचता हूँ कि भैया उसने मुझे वो दिया। एक टाइम होता था जब मैं दिल्ली पुलिस में था, एक टाइम होता था मुझे आईपीएस से मिलने का मौका नहीं मिलता था, मतलब जैसे सस्पेंड हो गए या कुछ हो गया, ये सब हो गया, तो मिलने का मौका नहीं मिलता था। अब आज मुझे मुझे मौका मिलता है कि मैं वहां जाता हूँ लवासना, जहाँ पे आईएएस आईपीएस आईआरएस ट्रेनिंग करते हैं, उनको बताता हूँ कि देश ऐसे चलाओ, फिट ऐसे रहो, ये सारी चीजें ऐसे करो। तो क्या है कि वो उसकी मेहर है। तो मेरी माँ ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो किसी स्कूल में नहीं गए ना कहीं, और कहीं गए जब रूमेटिक अर्थराइटिस था, डॉक्टरों ने बोल दिया था मुश्किल से मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा, ये सब है। मेरी माता जी ने हार नहीं मानी, मैंने हार नहीं मानी। तो उसने मुझे एक देसी भाषा में बात बोली थी, मैं उसको आप हिंदी में बता रहा हूँ, कि बेटा तुम्हारे में कोई चीज स्पेशल है। कि मैं कहती थी कि तुम बनोगे तो तुम वो करते रहे, तुमने आंख बंद करके किया। अब इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक आते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते हैं, दूसरे आते क्रिएट करते हैं। बिल्कुल अब आपके ऊपर है, चाहे आप कुछ भी करो। और उसने बोली कि जो जो नई चीज करके जाते हैं ना, थोड़े पागल होते हैं वही करके जाते हैं, समझदार आदमी नई चीज करके नहीं जाते। तो वो बात है ना मेरे घर पे, मेरे दिमाग में घर कर, सही बात है। जब हमारी सोच गहरी हो जाती है नीति जी, तो हमारे फैसले कमजोर हो जाते हैं। तो याद रखो, थोड़े से पागल रहो, बींग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। मैं भी यही सोचता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि भाई कोई नहीं, गलतियां हम भी करते हैं। पहले जब कम उम्र थी, हम भी बड़ी बड़ी बात करते थे, यहाँ रहते थे, कोई झूठ बोल दिया, कोई सब कर दिया। जब अब मैच्योर हो रही, समझ समझ आ रहा है कि भैया वो चीज सही नहीं है, ये चीज सही है। जैसे अब मैं चाय कॉफी तक पीता नहीं, कोई मुझे बोलता है चाय कॉफी पी लो यार, मैं बोलता हूँ बीमार थोड़ी भैया, पानी पी लूंगा, दूध पी लूंगा, छाछ पी लूंगा, खाना खा लूंगा, समझ रहे ना। तो मैं हेल्थ की बहुत अहमियत जानता हूँ। अब आजकल के देखो, आप फेसबुक पे देखो, यूट्यूब पे देखो, 3 एक्सरसाइज करो फिट हो जाओगे, वो सब स्कैम होता है। ये शरीर एक प्रोसेस होता है जी, नेचर के हिसाब से। आप धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे आओ, अपना रूटीन सुधार लो, छोटी छोटी चीजें सुधार लो, तो आप फिट रहोगे, फिर हेल्दी रहोगे। बिल्कुल तो आप ये खाओ, आप वो करो, ये सब करो। तो हमारी आबादी 90-80% तो गांव में रहती है, जो जो बेसिक सुविधाओं के साथ है। अब बेचारे कहाँ से इतना अफोर्ड करेंगे। तो मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि भैया खुश होके सूखी रोटी प्याज खाओगे तो भी काम करेगा। बहुत से ज्ञानी होते हैं जो कहते हैं 7 बजे बाद खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक है, मगर जो काम करेगा बेचारा 8-9 बजे फ्री होगा, अगर तो खाना नहीं खाएगा 3 दिन चक्कर आ जाएंगे। आप 10 बजे भी खाओ, 11 बजे भी खाओ, खाना किसी टाइम भी खाओ, घर का बना हुआ, मगर उसके 1.5 घंटे बाद सो। बिल्कुल तो क्या है कि हम ज्ञान दे देते हैं, मगर बेसिक, अब सब आदमी थोड़ी वो स्टार बन जाते हैं जो कहता है भाई शाम के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, भले फिर गुटखा बेचे, भले कुछ करें, मगर समझे ना नीति जी। तो क्या है बिल्कुल कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो फिर कोई आपसे इंस्पायर होगा नहीं, ना प्रभावित बिल्कुल होगा। तो जो बोलो वो करो, जो करो वो बोलो। और देखो यही कोई 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 मैं वही कोई कहती हूँ, कोई यही स्टार रीजन है बनना, कि संग्राम सिंह एक ही है, वन ऑफ अ काइंड है, और जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि वन ऑफ द रेयर सेलिब्रिटीज हैं जो जैसा कहते हैं वो वाकई वैसा करते हैं, और इसीलिए संग्राम बच्चा बच्चा भी जो है आपको एक आइकन मानता है, आपसे मोटिवेट होता है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं संग्राम, एक तो आपकी फिल्म के लिए और दूसरा जो रेसलिंग चैंपियनशिप है उसके लिए। देश आप पे हमेशा नाज करता है, करता रहेगा,
और आगे भी आपसे बातचीत करने की थैंक यू जी, अपॉर्चुनिटीज का मैं इंतजार करूंगी। फिलहाल अपना टाइम देने के लिए संग्राम, थैंक यू बहुत निधि बहुत जी, थैंक थैंक यू। थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू, नमस्ते।